हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सबके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मिक्स का कलेक्शन लाओ। सो गाइस, मैं आप सबके लिए टॉयज, गैजेट्स और स्टेशनरी का बहुत ही बड़ा मिक्स कलेक्शन लेकर आ चुका हूं। और गाइस आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें हैं और कलरफुल चीजें हैं। और गाइस बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें आज हमारे पास उड़ने वाला हेलीकॉप्टर है, उड़ने वाला डोरेमोन है, डोरेमोन का जम्बो पेंसिल बॉक्स है, पॉपिट है और बहुत सारे इरेजर और शार्पनर और बेन 10 की तलवार भी है हमारे पास। सो गाइस आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें हैं। तो गाइस पूरा वीडियो देखना है तक बिना किसी देरी के इसका रिव्यू चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही प्यारी चीज, ये देखिए गाइस, बबल मैजिक। ये देखिए गाइस, ये एक बबल बनाने वाली बॉटल है। ये देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये देखिए बबल मैजिक इधर लिखा है, सॉल्यूशन विद वॉन्ड लिखा हुआ है इधर गाइस। तो मैं आपको बताऊं ये कैसे काम करता है। इससे आप गाइस बबल्स बना सकते हैं बहुत ही इजीली। ये देखिए, सिंपली आपको क्या करना है, इसके अंदर जो वॉन्ड दिया गया है इसको आपको निकालना है इस तरीके से। ये देखिए बहुत गाढ़ा लिक्विड इसके अंदर दिया जाता है और इसमें फूक मारनी है और आप देखना कितने सारे बबल्स जो है बनने लगेंगे। देखा गाइज आपने कितने सारे बबल्स बने, थोड़ा सा डिप करो और फूक मारो, बहुत सारे बबल्स एक बार में बनने लगते हैं। ये देखो पूरी की पूरी स्क्रीन बबल्स से भर गई है। और गाइज ये बॉटल मात्र हमने 30 रुपीज में खरीदी है। 30 रुपीज में देखो कितनी बड़ी बॉटल विद लिक्विड मिल जाती है ना गाइज, कितनी जबरदस्त चीज। इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही जबरदस्त स्पाइडरमैन। ये देखिए गाइस, ये कोई आम स्पाइडरमैन नहीं है गाइस, ये एक स्पाइडरमैन वाला शार्पनर है गाइस। ये पेंसिल्स को शार्प कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे करेगा शार्प, तो मैं आपको बता दूं, जो इसकी नोज में होल दिया गया है इसके अंदर हमें अपनी पेंसिल को डालना होता है और ये जो हैंडल है इसको घुमाना होता है और हमारी पेंसिल जो है शार्प होनी शुरू हो जाती है। तो ये देखिए गाइस, हमारे पास एक टूटी हुई पेंसिल, अब हम इसको शार्प करेंगे। ये देखिए हम इसकी नोज के अंदर अपनी पेंसिल डाल देते हैं और अब हम इसको राउंड राउंड घुमाएंगे। ये देखिए गाइस, अब हमारी जो पेंसिल है वो शार्प होनी शुरू हो गई है। ये देखिए, अब जो हमारी पेंसिल है वो शार्प होकर ही बाहर निकलेगी। ये देखिए हमने अपनी पेंसिल को शार्प कर लिया। अब आप सोच रहे हो गई शार्प, यस गाइस हो गई है शार्प। मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं और ये देखिए गाइस हमारी पेंसिल कितने मस्त तरीके से शार्प हो चुकी है। उसकी निब देखिए कितनी ज्यादा शार्प हो गई है। ये देखिए हमारी पेंसिल को इसने शार्प कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे सारा कचरा कहाँ गया, तो गाइज ये देखिए, ये रहा सारा का सारा कचरा जो स्प्रे के अंदर स्टोर हो जाता है। ये देखिए सारा का सारा कचरा स्प्रे के अंदर आ जाता है, जो बाद में आप अपने डस्टबिन वगैरह में जो है इजिली फेंक सकते हैं। और जो ये दो हाथ दिए गए हैं इसके अंदर आप अपनी एक्स्ट्रा पेंसिल इसके हाथ में इस तरीके से जो है पहना सकते हैं। और गाइज ये शार्पनर हमने 200 रुपीज में खरीदा है। इसके बाद गाइज मैं आपके लिए लेकर आया बहुत ही जबरदस्त डोरेमोन हेलीकॉप्टर। ये देखिए गाइज, जैसे कि डोरेमोन्स के पास होते हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया गैजेट, वैसे ही मैं आपके लिए गैजेट वाला डोरेमोन लेकर आ चुका हूं। ये देखिए, यानी कि एक फ्लाइंग डोरेमोन है। इसके ऊपर जो प्रोपेलर दिए गए, विंग्स दिए गए, इससे उड़ने में बहुत ही आराम से उड़ जाता है। ये देखिए गाइज, और आप इसको इधर से फोन के चार्जर से चार्ज भी कर सकते हैं और ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, तो इसको ऑन करते हैं और ये देखने गाइज ये उड़ने लगेगा। और ये देखिए गाइस, ये उड़ने के लिए रेडी है। जैसे इसको छोड़ेंगे हवा में ऊपर उड़ जाएगा। ये देखिए गाइस, जैसे छोड़ता हूं ये ऊपर की तरफ जो है भागने लगता है। तो चलिए गाइस मैं इसको रूम में आपको उड़ा करके दिखा देता हूं। तो गाइज आपने देखा कितने जबरदस्त तरीके से हमारा डोरेमोन उड़ रहा था हमारे फ्लोर पर, बहुत ही मजा आया इसको उड़ाने में। ये एक इंडक्शन वाला हेलीकॉप्टर है, इसके नीचे हाथ लगाओ अपने आप ही ये ऊपर चला जाता है, या फिर जैसे जमीन पर टच होने वाला होता है तो अपने आप ही ऊपर चला जाता है। तो ये इसकी खासियत है। और ये डोरेमोन हमने गाइज 320 रुपीज में खरीदा है। इसके बाद गाइज हमारे पास है आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया डायनासोर। ये देखिए गाइज, ये डायनासोर एक बहुत ही जबरदस्त गैजेट है। मैं आपको बता देता हूं इससे कैसे खेलते हैं। सो गाइस हमें सबसे पहले इसके ऊपर से जो है ये ओपन करके, कैप को ओपन करके इसके अंदर लिक्विड यानी कि पानी, जो नॉर्मल पीने वाला पानी होता है वो डालना होता है। और इधर से लगते हैं गाइस दो डबल साइज की बैटरीज इसके अंदर, देखिए लगी हुई है, हमने पहले लगा दी है। और सिंपली आपको क्या करना है, ये बटन दबाना है और ये गाइस स्टीम छोड़ने लगेगा। ये देखिए गाइस,
ये देखिए गाइस, स्टीम छोड़ रहा है, आपको आई होप नजर आ रहा होगा। ये देखिए लाल लाल आग और स्टीम भी छोड़ रहा है। देखो मेरे हाथ पे कितनी सारी स्टीम इकट्ठी हो गई है। ये स्टीम वाला डायनासोर है, मैं आपको लाइट ऑफ करके इसका नजारा दिखा देता हूँ। तो गाइज अब देखना आप कैसे स्टीम छोड़ेगा अंधेरे में। ये देखिए गाइज, ये सारा का सारा लिक्विड है, सारा का सारा पानी है। ये देखिए गाइज, और ऐसा लग रहा है जैसे ही अपने मुंह से आग छोड़ रहा है। ये देखिए, बट ये पानी को स्टीम की तरह छोड़ रहा है। ये देखिए, है ना गाइज, कितना जबरदस्त डायनासोर। ये डायनासोर गाइज हमने 250 रुपीज में खरीदा है। और इसके बाद गाइज हमारे पास ये देखिए दो पॉपिट भी, हमारे पास ये बटरफ्लाई पॉपिट है और ये हार्ट वाला पॉपिट है। जब भी आप बोर हो जाएं तो इससे आप खेल सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से पॉप करके खेल सकते हैं। हमारे पास बटरफ्लाई वाला है और हमारे पास हार्ट वाला है। और गाइज ये दोनों हमने 100-100 रुपीज में खरीदे हैं और इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद गाइज ये देखिए हमारे पास है बहुत ही बढ़िया स्पाइडरमैन स्पिनर। ये देखिए, और गाइस ये घूमने के साथ साथ इसके अंदर लाइट भी जलती है और दोनों तरफ से इसका फेस स्पाइडरमैन वाला दिया जाता है। और उसके साथ ये लॉन्चर दिया गया गाइस। ये देखिए लॉन्चर को सिंपली इधर लगाने के बाद हमें इधर टाइट कर लेना होता है और इसको हमें जमीन पर चलाना होता है। इसके अंदर बहुत ही प्यारी लाइट जलती है, मैं आपको इसको अंधेरे में ही चलाकर दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, वाओ क्या बात है। ये देखिए अंधेरे में कितना बढ़िया चल रहा है गाइस। ये देखिए गाइस, ये देखिए कितनी दूर से भी हम देख रहे हैं, कितनी बढ़िया लग रही है इसकी लाइट्स। ये देखिए, है ना गाइस, कितना जबरदस्त हमारा स्पाइडरमैन। ये बहुत ही बढ़िया चीज है गाइस। ये देखिए, आया ना मजा गाइस इसको घुमाने में। गाइस ये स्पाइडरमैन हमने 100 रुपीज में खरीदा है। और इसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास है मैजिक कप। अब आप सोच रहे होंगे मैजिक कप कहां से है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। आपको सिंपली इसको ऐसे ओपन करना होता है, कैप ओपन होने के बाद इसको नीचे झटका मारना है। और ये देखिए गाइज, ये आ गया हमारा मैजिक कप बाहर। आप इसके अंदर जूस, कॉफी, चाय, पानी जो मर्जी पी सकते हैं। और इसको बंद कर रहे हैं, सिंपली ऐसे बंद करो और ये बंद हो गया। निकालना था ऐसे निकालो, झटका मारो और कप बाहर, है ना गाइज, कितनी हेल्पफुल चीज। गाइज ये हमने 50 रुपए में खरीदा है। और उसके बाद गाइज हमारे पास सुपरमैन का एक मिनी पाउच भी है जो कि हमने 40 रुपए में खरीदा है। इसके अंदर आप अपने ईयरफोन्स वगैरह, पैसे वगैरह, कॉइन्स वगैरह, छोटी मोटी चीजें जो है रख सकते हैं। 40 रुपए में सुपरमैन का पाउच हमारे पास है। और उसके बाद गाइज हमारे पास यूनिकॉर्न का एक बैंड है, ये देखिए हमने 20 रुपीज में खरीदा है। और ये बहुत ही प्यारी चीज है गाइज, ये गर्ल्स को बहुत पसंद आता है। आपको सिंपली इसको ऐसे खोलना होता है और ऐसे झटका मारना होता है और आप इसे हाथ में पहन सकते हैं। तो 20 रुपीज में काफी बढ़िया चीज है। और सेम हमारे पास यही चीजें आ रहा है, इसके कहते हैं कैप्टन अमेरिका में भी आती हैं। और हमारे पास ये दूसरा वाला जो ये देखिए सुपरमैन वाला भी है। तो हमारे पास यूनिकॉर्न वाला, सुपरमैन वाला और कैप्टन अमेरिका वाला है। ये देखिए गाइस, ये भी हम पहनकर दिखा रहे हैं आपको। तो ये भी हमने 20-20 रुपीज में जो है खरीदे हैं। और उसके बाद गाइस हमारे पास है बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का फिजेट स्पिनर। ये देखिए गाइस, ये कोई छोटा मोटा फिजेट स्पिनर नहीं है, ये लाइट वाला फिजेट स्पिनर है। तो इसको सिंपली क्या करना होता है, इधर से गाइस ये देखिए ऐसे तो घूम ही जाता है ये, हमें क्या करना होता है इधर हमें इसकी लाइट्स ऑन करनी होती है। अब हम इसको घुमाएंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है ना गाइस, ये रात के समय बहुत बढ़िया लगता है। मैं आपको अंधेरे में ही इसको चलाकर दिखाता हूँ। तो गाइस हमने अंधेरा कर लिया, मैं आपको इसको घुमा करके दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस अंधेरे में कैसे ये घूम रहा है। देखो मेरा हाथ कितनी दूर है और देखो क्या जबरदस्त लाइट्स क्रिएट कर रहा है। वाओ कितनी मस्त चीज है ना गाइस, इसको घुमाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और ये हमने 70 रुपीज में खरीदा है। इसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखिए बहुत सारे इरेजर और शार्पनर, ये भी मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखिए हमारे पास है एक यूनिकॉर्न वाला पेन और इसको इधर बटन दबाते हैं, इसके अंदर लाइट जलती है ऊपर आप देख सकते हैं और इधर से आप लिख सकते हैं। देखिए रात के समय आप लाइट्स ऑफ करके लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पेन है और ये हमने 80 रुपीज में खरीदा है। और उसके बाद गाइस हमारे पास ये मोतियों वाला बहुत ही बढ़िया पेन है, ये देखिए एप्पल के जैसे इधर डिजाइन भी दिया गया, तो इसको भी सिंपली आप ऐसे ओपन करके काम कर सकते हैं, गर्ल्स को बहुत पसंद आता है। ये 40 रुपए में हमने खरीदा है। और उसके बाद गाइस हमारे पास स्पेस वाला एक पेन है जिसके ऊपर एक सीजर दी जाती है, देखिए पेपर कट करने के लिए सीजर होती है, इससे आप पेपर कट कर सकते हैं बहुत ही आराम से और आप इसको इस तरीके से ओपन करके इसमें इससे काम भी कर सकते हैं। और ये हमने 30 रुपीज में खरीदा है। इसके बाद गाइस हमारे पास ये देखिए एक लिपस्टिक है, सॉरी नेल पेंट की बॉटल है, इधर से आप जो है पेंसिल को शार्प कर सकते हैं और इधर से आप जो है इरेज कर सकते हैं। देखिए इधर इरेजर दी गई है और इधर शार्पनर दिया गया है, ये हमने 20 रुपीज में खरीदा है। और इसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास एक हेलीकॉप्टर शेप की इरेजर भी है, ये देखिए
हमारे पास दो हैं, एक व्हाइट कलर की एक ब्लू कलर की, और ये देखिएगा ये घूमती भी है और ये इरेजर है, इससे आप इरेज कर सकते हैं। हमारे पास ब्लू और व्हाइट कलर है और ये हमने 10-10 रुपीज में खरीदी है। और इसके बाद गाइस हमारे पास एक प्लेन वाली इरेजर है, और ये देखिए गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न वाला एक और पेन है, ये देखिए सॉरी मैकेनिकल पेंसिल है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका यूज कैसे होता है। ये देखिए आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको सबसे पहले देखिए लाइट्स ऑन ऑफ ऑन की दिया गया है इसमें सिस्टम, ये देखिए ऊपर लाइट ब्लिंक हो रही है कितनी बढ़िया रेड और ब्लू, ये देखिए अंधेरे में देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और सिंपली आपको ये बटन दबाना है बार बार, जो ये देखिए ये इसकी जो है निब है बाहर आने लग गई है। अब आपको इसको अंदर करना है, सिंपली इसको दबाना है और ऐसे अंदर कर लेना है। तो ये मैकेनिकल पेंसिल इस तरीके से जो है काम करती है। ये 60 रुपए में हमने मैकेनिकल पेंसिल खरीदी है। और उसके बाद गाइस हमारे पास एक डोरेमोन का मल्टी निब वाला पेन भी है, देखिए गाइस कितने सारे कलर हैं इसके अंदर, इधर कितना प्यारा डोरेमोन है, इधर भी डोरेमोन प्रिंटेड दिया गया है। तो ये देखिए हमारे पास ब्लू, स्काई ब्लू, पर्पल, येलो, ग्रीन और पिंक कलर इधर हमें जो है दिया गया है, और ये हमने 80 रुपीज में पेन खरीदा है। और इसके बाद गाइस ये देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हमारे पास है एक सनफ्लावर वाला शार्पनर, इधर से आप पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हैं और इधर से जब इस बाद में इसको हटा के कचरा फेंक सकते हैं। और इसके बाद गाइस हमारे पास गन वाले दो पेन भी हैं, ये देखिए काफी बढ़िया, ये देखिए शॉटगन वाले पेन है हमारे पास, एक गोल्डन कलर है और ये थोड़ा सा एक बहुत ही प्यारा कलर है, ये भी दूसरा वाला भी, और इसको आप इस तरीके से खोल के आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक पेन खोल के, ये देखिए ऐसे खोल के आप यूज कर सकते हैं, है ना गाइस एकदम गन कितनी प्यारी एकदम रियल गन जैसी नजर आती है। और इसके बाद गाइस हमारे पास ये देखिए एक फिश वाला पेन भी है, बहुत ही प्यारा, ये हमने 50 रुपए में लिया है और इसको भी आप ऐसे ओपन करके काम कर सकते हैं, कितना बढ़िया लग रहा है ना फिश वाला पेन, एकदम रियल फिश जैसा लगता है। और इसके बाद गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न वाला एक और बहुत ही बेहतरीन पेन है, ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है ये पेन, इसके अंदर ग्लिटर विद लिक्विड भरा हुआ है, इसको आप ऐसे हिलाएंगे तो इसका लिक्विड आप हिलते हुए देख सकते हैं और इसको भी आप ऐसे ओपन करके जो है काम कर सकते हैं, है ना गाइस कितना बेहतरीन यूनिकॉर्न वाला पेन। और इसके बाद गाइस देखिए हमारे पास शू वाला शार्पनर है बहुत ही शानदार, तो इधर से आप पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हैं, एकदम जूते की तरह ये शार्पनर जो है नजर आता है। और इसके बाद गाइस हमारे पास ये देखिए एक काफी बढ़िया ट्यूब वाला जो है एक शार्पनर है, ये देखिए देखने में एक ट्यूब लग रहा है, बस आप इधर से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हैं और सारा कचरा इसी के अंदर स्टोर हो जाता है, बाद में आप ऐसे खोल के जो है कचरा बाहर फेंक सकते हैं। ये देखिए है ना गाइस कितनी बढ़िया चीज, ये 10 रुपए में हमने खरीदा है। इसके बाद गाइस मैं जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा इंतजार था वो चीज भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, जो है हमारा डोरेमोन का जंबो पेंसिल बॉक्स। ये देखिए इसका साइज कितना बड़ा है गाइस, मेरे हाथों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो इसको ऐसे ही जंबो पेंसिल बॉक्स नहीं बोलते हैं, इसके अंदर फीचर्स भी बहुत ही जबरदस्त हैं। तो आप देख सकते हैं इधर 1, 2, 3, 4 बटन दिए गए हैं, तो हम बटन भी दबाएंगे, ये देखिए पहला बटन दबाते हैं और इधर से निकल के आता है शार्पनर, ये देखिए इधर से आप शार्प कर सकते हैं, सारा कचरा इसी के अंदर स्टोर हो जाता है। अब ये वाला बटन दबाएंगे तो इधर से इरेजर रखने के लिए एक बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा स्पेस निकल के आता है। अब हम ये वाला बटन दबाएंगे तो इधर से भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट स्पेस निकल के आता है, ये वाला दबाएंगे तो इधर से भी एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट स्पेस निकल के आ जाता है। अब हम इसको ओपन करेंगे गाइस इधर से, ये देखिए तो इधर भी आप देखेंगे बहुत बड़ा स्पेस है, इधर एक बटन है इसको दबाते हैं तो इसको दबाने से भी इसके अंदर से एक स्लाइड जो है निकल के आ जाती है, ये देखिए काफी बढ़िया लग रही है। अब ये देखिए आपको इधर भी एक स्पेस मिलता है तो इसको आप बटन को दबाएंगे जब ऊपर की तरफ तो ये स्पेस भी खुल जाता है, इसके अंदर अपने पैसे कॉइन्स वगैरह आप इजीली रख सकते हैं और इधर अपनी पेन पेंसिल लगा के रख सकते हैं और इधर अपने जो मिनी क्रेयॉन्स वगैरह होते हैं, छोटी पेंसिल होती है, पेन होते हैं, उधर आप लगा के रख सकते हैं और ये सारी चीजें आप जो आप इजीली क्लोज करके इस तरीके से इसी तरीके से आप क्लोज करके अंदर बंद कर सकते हैं, देखिए बंद हो गई है ना। और पीछे भी आपको बहुत बड़ा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, आप लोग बहुत सारा सामान इधर रख सकते हैं, इधर नेम और क्लास आप जो है लिख सकते हैं। और ये पेंसिल बॉक्स हमने 350 रुपीज में खरीदी है। इसके बाद गाइस हमारे पास बहुत ही जबरदस्त चीज है आपके लिए, ये देखिए उड़ने वाला हेलीकॉप्टर, ये देखिए गाइस एक काफी प्यारा हेलीकॉप्टर है और इसको मात्र हमने 220 रुपए में खरीदा है। और गाइस आप इधर से इसको चार्ज भी कर सकते हैं, देखिए इधर चार्जिंग पॉइंट है और ये ऑन ऑफ का बटन है और ये देखिए इसके प्रोपेलर दिए गए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ऊंचाई तक उड़ सकता है, बहुत देर तक ये उड़ पाता है। और इसको हम जल्दी से ऑन कर लेते हैं और आपको उड़ा करके भी दिखाएंगे, ये देखिए गाइस हमने इसको ऑन कर लिया, इधर लाइट ऑन हो गई है, ये देखिए गाइस ये उड़ने के लिए एकदम रेडी है, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये ऊपर की तरफ भागेगा, ये देखिए गाइस ये उड़ने लगा है, देखिए गाइस ये ऊपर कैमरे में भी टकरा गया, ये देखिए गाइस कैसे उड़ रहा है, मैं आपको इसको रूम में आपको इसको ढंग से उड़ा करके दिखा देता हूँ। चलिए गाइस इसको इधर से ऑन कर लेते हैं और इसको उड़ा करके देखते हैं, और इसको मैंने ऑन कर दिया और इसको हाथ पे रखूंगा और ये अपने आप ही उड़ने लगेगा, ये देखो गाइस कैसे ये रूम के अंदर उड़ रहा है, और जैसे इसके ऊपर कोई चीज टच होने वाली होती है ये अपने आप ही उड़ जाता है, इसके नीचे मैं अपने हाथ लगाऊंगा और ये मेरे हाथ के ऊपर से ही जो है अपने आप उड़ जाएगा, ये देखो गाइस ये मेरे हाथ को जैसे नीचे फील करेगा ये अपने आप उड़ जाता है, तो इसको जो भी चीज इसके नीचे फील होती है ये उससे बच के ऊपर उड़ने लगता है, क्योंकि इसके अंदर कोई सेंसर लगा हुआ है जो इसको जमीन पर नहीं आने देता है, यानी कि अगर ये जमीन पर भी टच होने वाला होगा ना गाइस
तो अपने आप ही हवा में उड़ जाएगा। ये देखो गाइस, ये देखो जैसे ही गाइस ये मेरे हाथ के नजदीक आता है ये अपने आप उड़ जाता है। देखो गाइस फिर से आएगा, फिर से उड़ जाएगा गाइस। और देखो चाहे मैं उल्टा हाथ कर देता हूँ तो उल्टे हाथ से भी उड़ जाता है। ये देखो गाइस जैसे मेरे हाथ पर टच होने वाला होगा ये अपने आप ही उड़ जाता है। और गाइस ये आराम से 10 से 12 मिनट जो है हवा में उड़ सकता है। ये देखो गाइस, और 10 से 12 मिनट उड़ने के बाद में आपको इसको फिर से जो है चार्ज करना होता है। तो गाइस आपने देखा कितने जबरदस्त तरीके से रूम में उड़ रहा था, इसको संभालना मुश्किल हो गया था। गाइस इसको उड़ाने में बहुत मजा आता है। गाइस इसको सिर्फ एक बार चार्ज करने के बाद आप 10 से 12 मिनट लगातार उड़ा सकते हैं और फिर से 10 मिनट में ये फुली चार्ज हो जाता है ना गाइस, कितना बढ़िया। 200 रुपए में ये बहुत जबरदस्त चीज है। इसके बाद गाइस हमारे पास है आप सबके लिए बैंक 10 की बहुत ही जबरदस्त तलवार। ये देखिए गाइस, ये बैंक 10 की तलवार है और इसके अंदर जो बैटरीज पहले से ही लगी हुई आती हैं और सिंपली आपको ये बटन दबाना होता है और बटन दबाने के बाद आप इसकी लाइट्स और म्यूजिक सुन सकते हैं। ये देखिए, है ना गाइस, कितनी बढ़िया बैंक 10 की तलवार। रात के अंधेरे में इसकी तलवार बहुत ही बढ़िया लगती है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये बैंक 10 की तलवार गाइस हमने 120 रुपए में खरीदी है। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पास ये पॉपिट वाला एक यूनिकॉर्न का पेन है। ये देखिए इधर से आप लिख सकते हैं और इधर से आप बोर हो जाए तो पॉपिट करके खेल भी सकते हैं। और ये हमने 20 रुपीज में लिया है। उसके बाद हमारे पास गन वाला एक और सिल्वर कलर का पेन है जो कि ऐसे यूज कर सकते हैं आप खोल के। और इसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास फ्लेमिंगो वाला पेन है जिसको आप ऐसे खड़ा भी कर सकते हैं और आप इससे लिख भी सकते हैं। देखिए गाइस काफी बढ़िया ये पेन है, ये 40 रुपीज में लिया है हमने। और उसके बाद गाइस हमारे पास ये देखिए स्पाइडरमैन वाली इरेजर भी है काफी बढ़िया, 10 रुपीज के लिए हमने। और ये देखिए गाइस हमारे पास बास्केटबॉल वाला पेन भी है। ये देखिए गाइस छोटी सी आपको बॉल दिख रही है और इधर बास्केट भी दिख रही होगी आपको, इसको बटन को ऐसे दबाना है छोड़ना है तो बॉल बहुत ही फास्ट स्पीड से इसके अंदर से निकल जाती है। और ये पेन आप जो है इस तरीके से यूज कर सकते हैं, देखिए गाइस इस तरीके से। और ये 40 रुपए का पेन है। और इसके बाद गाइस हमारे पास ये देखिए एक बहुत ही बढ़िया डॉल वाला मल्टी कलर वाला पेन है। देखिए गाइस कितने सारे कलर है इसके अंदर, ये हमने 80 रुपीज में जो है खरीदा है मोटा पेन। और उसके बाद गाइस हमारे पास बुक्स वाली इरेजर है गाइस, ये देखिए बुक्स, ये बुक्स का सेट लग रहा है बट ये सारी की सारी इरेजर है गाइस, ये बुक्स की तरह एकदम दी जाती है, एकदम बुक्स की तरह एकदम नजर आती है। और हमने 20 रुपीज में खरीदी है। और इसके बाद गाइस हमारे पास ये देखिए कॉन वाली शार्पनर है, इधर से आप पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हैं अपनी पेंसिल को। और ये देखिए गाइस हमारे पास कुछ बहुत ही शानदार इरेजर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये क्रिकेट बैट वाली इरेजर है, आइसक्रीम वाली इरेजर है जैसे एकदम रियल आइसक्रीम है। और ये देखिए कोल्ड ड्रिंक वाली इरेजर है, और ये कौन सी इरेजर है पता नहीं। और ये एक देखिए ये हमारे पास ग्रिप वाली इरेजर है, रिंग वाली इरेजर है, बॉल वाली इरेजर है, बनाना वाली इरेजर है, मरमेड वाली इरेजर है ये गाइस ये देखिए। और हमारे पास बैट वाली इरेजर है, और ये देखिए रोबोट वाली इरेजर है हमारे पास, और ये सैटेलाइट वाली इरेजर भी है हमारे पास। और मैं आपको दिखाई तो हमारे पास क्या, हमारे पास एक कार वाली इरेजर भी है। और इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही यूनिक चीज है आप सबके लिए, देखिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर से बहुत ही प्यारा साउंड आता है, मैं आपको हवा से मुंह से बजाकर दिखाता हूं। है ना गाइस कितनी प्यारी चीज है, हमने 10 रुपए में खरीदी है। और उसके बाद गाइस हमारे पास ये देखिए एक सैंडविच है बहुत ही शानदार आप सबके लिए, आपको सिंपली इसको ऐसे खोलना है। ये देखिए इधर से ये शार्पनर है, इधर से आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, दो दो पेंसिल शार्प हो जाएंगी। इसको आप ऐसे खोलेंगे, इसको हटाएंगे तो इसके नीचे हमें मिलती है एक ये देखिए ब्रेड, यानी कि एक इरेजर ब्रेड वाली इरेजर मिलती है और सारा कचरा जो है इसके अंदर स्टोर हो ही जाता है, है ना गाइस कितनी बढ़िया चीज। और उसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास ये देखिए डोनट वाली इरेजर है, और ये मंकी वाली इरेजर है हमारे पास, ये 10-10 रुपए की इरेजर है गाइस, ये डोम्स की एक इरेजर है काफी बढ़िया न्योन इरेजर। और ये देखिए गाइस होवरबोर्ड वाली इरेजर है हमारे पास, और ये आर्मी टैंक वाली इरेजर भी है हमारे पास। और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें हैं गाइस हमारे पास। ये देखिए हमारे पास डॉक्टर का ब्रीफकेस है वाली इरेजर है, ये ब्रेड वाली इरेजर है, ये देखिए शू वाली इरेजर है, बर्गर वाली इरेजर है गाइस, ये देखिए ग्रेनेड वाली इरेजर है बम वाली, और ये ऑक्टोपस एलियन वाली इरेजर है, इंजेक्शन वाली इरेजर है, और ये टैडी वाली शार्पनर है, इधर से आप शार्प कर सकते हैं पेंसिल। और ये देखिए गाइस ये लेवल 3 हेलमेट पबजी वाली इरेजर है, और ये बुलेट वाली इरेजर है, और ये बनाना वाली इरेजर भी है हमारे पास, ये सब 10-10 रुपए में हमने खरीदी है। इसके बाद गाइस हमारे पास ये कुछ पेन्स का कलेक्शन है, देखिए गाइस हमारे पास ये डॉगी वाला मल्टीनिप वाला पेन है 80 रुपीज का, ये चाबी वाला पेन है हमारे पास ये देखिए, और हमारे पास ये देखिए एक टेडी रैबिट वाला पेन है मल्टीनिप वाला,
और ये यूनिकॉर्न वाला मल्टीनिप वाला पेन है, और ये देखिए ये किटी वाला मल्टीनिप वाला मिनी पेन है, और ये देखिए कि मैजिक वाला पेन है, बहुत ही बढ़िया लुक इसकी बहुत प्यारी है, और ये तलवार वाला पेन है हमारे पास, और ये लिपस्टिक शेप का पेन है, लिपस्टिक जैसा लगता है बट ये पेन है, और ये देखिए चाकू वाला पेन है हमारे पास, और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास ये हेलीकॉप्टर वाला पेन भी है, ये आपने देखा होगा शायद, और ये देखिएगा ये हमारे पास ये प्रिंसेस वाला पेन है, और ये मिनियंस वाला पेन है, और यूनिकॉर्न वाला एक और मल्टीनिप वाला पेन है हमारे पास, ये देखिए हमारे पास स्पून वाला पेन है, चम्मच वाला, इससे आप खा भी सकते हैं, और ये एक और मिनियन वाला पेन है, और एक गोल्डन चाबी वाला पेन भी है हमारे पास। और गाइस हमारे पास ये स्केटिंग वाली इरेजर है 10 रुपए वाली, और ये देखिए गाइस बैडमिंटन वाली इरेजर है, आइसक्रीम वाली इरेजर है, ये देखिए गाइस ये दूरबीन वाली इरेजर है हमारे पास, और ये देखिए बाइक वाली इरेजर है, सब 10-10 रुपए की इरेजर है, ये आयरन मैन वाली इरेजर है, ये 20 रुपए की है, और ये देखिए गाइस हमारे पास ये फ्रेंच फ्राइज वाली इरेजर है, और मैं आपको देखो डोरेमोन वाली है, रॉकेट वाली है, गन वाली है, और एक और बाइक वाली है, फ्लेमिंगो वाली है, और ये ट्रायंगल वाली इरेजर है डॉम्स की, और एक और डोरेमोन वाली इरेजर है, और स्पाइडरमैन वाली वॉच भी है, इधर आप टाइम देख सकते हैं, देखिए गाइस, और इधर से आप म्यूजिक और लाइट को इंजॉय कर सकते हैं। ये वॉच बहुत बढ़िया है, 120 रुपए में हमने खरीदी है। और इसके बाद गाइस हमारे पास ब्रेड वाली 2 इरेजर है, और हमारे पास ये देखिए एलियन वाली जो UFO होती है, इनकी स्पेसशिप होती है, वो वाली इरेजर है, और ये देखिए इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली इरेजर है, और ये देखिए गाइस हमारे पास एक स्लॉथ वाली इरेजर, ये मंकी होता है, बहुत ही स्लो होता है ये, और हमारे पास यूनिकॉर्न वाली इरेजर है, और ये हमारे पास ये देखिए स्क्वारल वाली गिलहरी वाली इरेजर है, और ये सीटी है हमारे पास बहुत बढ़िया फुटबॉल वाली, और मैं आपको दिखाऊं हमारे पास क्या है, हमारे पास ये देखिए गाइस बहुत ही बढ़िया एक इरेजर्स का बहुत ही प्यारा सेट भी है, और ये देखिए गाइस स्पाइडरमैन वाली इरेजर है हमारे पास, और हमारे पास ये देखिए कैंडी वाली शार्पनर है, इधर से आप पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हैं, और शू वाली एक हमारे पास बहुत ही बढ़िया शार्पनर है, और ये देखिए गाइस एक डोम्स का इरेजनर है हमारे पास बहुत ही शानदार, और ये देखिए गाइस ये किटी जो कप के अंदर बैठी है ये भी एक इरेजर है, और ये रैबिट वाली इरेजर है, और मैं आपको दिखाया तो हमारे पास ये बहुत ही बढ़िया कैन वाला पेन है, ये देखिए इसके अंदर एक पेन निकल के आता है जो कि गिर गया है, बाद में दिखाऊंगा आपको। एवोकाडो वाली इरेजर है 10 रुपए वाली, और ये देखिए गाइस हमारे पास पंपकिन वाली इरेजर है बहुत ही बढ़िया, ये भी 10 रुपए की आती है, और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास कार वाली इरेजर है, और ये फिजेट स्पिनर है बैटमैन वाला, ये बहुत ही बढ़िया घूमता है, और ये देखिए हमारे पास डॉगी वाली इरेजर है, और ये देखिए एक ये प्रिंसेस वाला, प्रिंसेस के कासल वाला इरेजर का सेट है, ये मैं आपको जरूर से खोल के दिखाने वाला हूँ आने वाली वीडियोज में, और ये देखिए हमारे पास ये बहुत सारी इरेजर है, और मैं आपको दिखा दूँ यूनिकॉर्न का एक पाउच है हमारे पास 30 रुपीज का, इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, और मैं आपको दिखा दूँ हमारे पास डॉल्फिन वाली इरेजर है, और ये देखिए हमारे पास रॉकेट वाली इरेजर है, और ये बहुत ही बड़ी हमारे पास ये देखिएगा ट्रांसफॉर्मर रोबोट वाली इरेजर है, इसका साइज देखो कितना बड़ा है, और ये देखिए हमारे पास एक कीचेन है ट्विटी वाला, और ये देखिएगा ये देखिए लूनी टून्स किस किसने देखा है कमेंट में जरूर बताना, और ये देखिएगा हमारे पास ये पॉपिट कीचेन है, ये क्या कहते हैं बटरफ्लाई वाला, और ये देखिएगा हमारे पास बर्गर कोल्ड ड्रिंक फ्रेंच फ्राइज वाली इरेजर्स का एक बहुत बढ़िया बॉक्स वाला सेट है, और ये देखिएगा हमारे पास ये बहुत ही बढ़िया प्रिंसेस का सेट है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको अनबॉक्स करके जरूर दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये देखिएगा हमारे पास ये स्पेसशिप वाला इरेजर का बहुत बड़ा सेट है, इसके अंदर ये देखिए सैटेलाइट दी गई है, कितनी बड़ी रॉकेट दिया गया है, और ये देखिए ये सब ये रॉकेट्स हैं, ये सब अंतरिक्ष में जाते हैं गाइज। सो गाइज मैंने आपको सारा का सारा कलेक्शन जो है आज दिखा दिया है, देखिए गाइज पूरा टब भर गया है, सब कुछ इधर भरा हुआ है। सो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाय बाय।